तो भाई लोग फिसा गए हमें एक और बेहतरीन सी इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 की वीडियो में। और भाई तुम्हें सिमुलेशन वाले गेम थोड़े से ज़्यादा पसंद है शायद, तो इसलिए मैं ले आया ये वीडियो, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे ऊपर ऐसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दियो। देखा तुमने रैंक सिमुलेटर पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखा था, तो इस पर भी थोड़ा सा दिखाओ, शो सम रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग यू कैन शो, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो बढ़िया से। और हम बात करें पिछली वाली वीडियो की, तो हम भाई एकदम बिल्कुल कतई अपने उल्टी सीधी हरकत करके बैंकरप्सी वाले हालात में चले गए थे भाई, पैसा वैसा नहीं बचा था अपने में बिल्कुल भी। लेकिन फिर हम उन हालातों से भी उभर आए और हमने अपना बिजनेस थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टेबल सा कर लिया था, और इतना ऐसा नहीं था कि भैया पैसे बिल्कुल कमी वमी आई पड़ी है, ऐसा नहीं था, थोड़ा ठीक ठाक था, ओके ओके। लेकिन भाई आज हम बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स करने वाले हैं इस बिजनेस में भाई, नई नई चीज़ें खरीदेंगे और नई नई चीज़ें करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है आज तो, मतलब ऐसा मज़ा सा आ जाएगा। ऐसी जैसे तुम दुकान अभी देख रहे हो ना, ऐसी रहने वाली भाई वीडियो के एंड तक, कुछ नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक फ़ोन से चिपके रहना है, और अगर तुम्हें फिर भी याद नहीं रहता तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अभी कर दो। देखो बाद में अगर तुम्हें याद रहता तो कर देना, लेकिन नहीं याद रहता तो अभी कर दो। और यहाँ पे भाई मैंने आके अपना कैफे खोल दिया, और भाई लोग अभी तुम्हारे भाई ने यहाँ पे तीन तीन गेम क्रैक कर लिए हैं, लेजेंड ऑफ ग्रीन बॉय, डोटा और वॉरक्राई। तो इसमें क्या है भाई, जो लेजेंड ऑफ ग्रीन बॉय है ये एक महंगा वाला गेम है, ये $100 ऊपर में चला जाता है। तो अभी भाई मैं बस इसी के ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और किसी गेम को नहीं मैं बेच रहा, खाली यही बेच रहा हूँ कि भाई $100 ऊपर पड़ जाते हैं इसमें आराम से, 136 135 118 ऐसे, उसमें $10 की डिस्क भी आती है खैर, लेकिन सही पड़ जाता है यार। बाकी के दोनों गेम भाई ऐसे $60-70 के जाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा। और इसके बाद में भाई तुम्हारे भाई ने ये एक बैग ले रखा था, ये सस्ता वाला बैग था, क्योंकि भाई मुश्किल पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा डिस्क विस्क लाने में और गेम्स बेचने में। तो अब तुम्हारे भाई ने इसे बेच के, क्योंकि अब किसी काम का नहीं रहा आपने फालतू का ही है, तो इसे बेच के और भाई एक महंगा वाला बेहतरीन $3000 का बैग खरीद लिया, और इससे हमें पूरे 10 स्पेस मिलते हैं भाई एक साथ। तो इसमें भाई मैं बहुत सारी डिस्क और भाई बहुत सारी चीज़ें एक साथ रख सकता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने इसकी सारी की सारी डिस्क खरीद के और अपने बैग में भर ली, और एक लट्ठा भी है, क्योंकि हमें हमेशा शस्त्र धारण करके चलना चाहिए। यहाँ पे बंदों ने आग लगा दी, ये पुलिस वाला जो है तुम्हारे भाई की चेकिंग करके चला गया, और ये भाई मुझे बहुत बेकार चीज़ लगी है भाई, सारी की सारी डिस्क ले गया, मैं सारी डिस्क उठा के ले आया था उस बंदे की, और ये सारी डिस्क मेरे बैग में से ले गया भाई, जितनी डिस्क पड़ी थी मेरे बैग में। और इसकी वजह से सही बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ जान तुम्हारे तो था नहीं गेम्स बेचने में, और इतने सारे पैसे मिल जाते, लेकिन भाई इसने नाश मचा के रख दिया कतई। खैर इसके बाद में तुम्हारे भाई ने सारे के सारे एम्प्लॉय हायर कर लिए गार्ड को छोड़ के, क्योंकि वो कुछ नहीं करता भाई, खाली खड़ा रहता है एक राइफल लेके, भाई क्या फ़ायदा क्या है भाई उसका, उससे फालतू काम तो बाउंस कर देता है भाई। यहाँ पे तुम्हारे भाई ने दो टेबल भी मंगवा ली, ये दोनों की दोनों भाई महंगी वाली गेमिंग टेबल है एकदम, और इनके ऊपर हम एकदम बेहतरीन वाले एकदम महंगे वाले सेटअप क्रिएट करने वाले हैं, और उससे क्या हमें काफ़ी पैसे मिल जाएंगे आराम से भाई। जितने भी अपने करंट सेटअप हैं काफ़ी ज़्यादा सस्ते वाले हैं, तो उनके कोई इतने पैसे नहीं देता उन्हें यूज़ करने के, लेकिन भाई इनके काफ़ी सही पैसे मिलेंगे हमें। तो एक बेहतरीन सी लाल सी टेबल, एक नीली सी है ये वाली। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने भिखारी को $200 दिए हैं अभी, ये कहता है कि भाई ये जो बिजली वाले हैं वो बार बार भाई बिजली काट देते हैं, तो ये क्या है उनसे बात बात करेगा और हमें बिजली को मतलब कंटिन्यूस रखने में हेल्प करेगा, मतलब उनसे कहेगा कि भैया बिजली मत काटे करो इसकी, और उन्हें ये रिश्वत देगा। तो उनके नाम पे इसने हमसे पैसे लिए हैं। अभी तुम्हारे भाई ने क्रिप्टो बेच बेच काफ़ी पैसा कमा लिया, और क्रिप्टो क्रिएट करने के लिए तुम्हारा भाई नए ग्राफिक्स कार्ड भी ला रहा है, तो इससे क्या भाई पैसे से पैसे कमाने वाला सीन है एक तरह से। और भाई यहाँ पे इसने एकदम भाई मतलब यार बंदे यहाँ पे इतने बावले हैं ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब भाई ऐसे भागते हुए आते हैं और कुछ भी हो सामने रखते हैं भाई, टेबल रखी हो कुछ भी रखा हो भाई उसे गिराते हुए चले जाते हैं। तो चलो यार मैंने माना थोड़ी जगह ही कम है निकलने के लिए, लेकिन फिर भाई हर चीज़ को गिराते चले जाते हैं। अभी देखो पूरा सेटअप सेट कराया था मैंने और भाई गे दिया इसने, और ये बंदा भी भाई ऐसे कुछ करने वाला था, इससे पहले मैंने इसे कूट दिया, और ये देखो भाई मतलब गेता गेते ने भी नाश मचा दिया। ये वाली टेबल और टेढ़ी कर रखी है भाई, पता नहीं क्या सीन है, मतलब हर चीज़ें भिड़ के निकलेंगे और इतनी जल्दी में रहते हैं ना बंदे भाई, भागते हुए जाते हैं एकदम, ना कुछ देखना सामने क्या है कुछ नहीं, सीधा बढ़ जाओ चीज़ों में जाके। और भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे करके टेबल सेट कर दी है, कोई सारी टेबल का भाई प्राइस तुम्हारे भाई ने एकदम फुल हाई रखा हुआ है। और यहाँ पे तुम्हारा भाई एक बेहतरीन सा सबसे बेहतरीन वाला एसी ले आया है, क्योंकि यहाँ बंदों को काफ़ी समस्या आई थी उनका, भैया कोई कहा था उनका बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कोई कहा था बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो अभी गर्मी वर्मी नहीं लगनी किसी को भी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इसका टेम्परेचर एकदम ऑटो पे सेट कर दिया, और अपने पीछे भी जलने से बच जाएंगे, ये अभी एसी चालू हुआ ही हुआ है इसलिए जल गया,
नहीं तो वैसे आगे ओपीसी चलने से बच जाएंगे, क्योंकि ठंडे ठंडे में चलेंगे तो कम नुकसान होगा। तो भाई यहाँ पे तुम्हारे भाई ने सोचा क्यों ना एक सारी की सारी दीवार पेंट करवा दी जाए, क्योंकि भाई पुराना वाला जो पेंट है ना बड़ा बेकार सा हुआ पड़ा है, घिसा हुआ सब ऐसा बिल्कुल बेकार सा। तो अभी बेहतरीन से दीवार करते हैं पेंट, और अब देखो भाई क्या बेहतरीन लग रही है, मज़ा सा आ रहा है दीवारों में, नहीं मतलब ऐसे रंग बिरंगी सी, भाई सही है भाई, काफ़ी सही लग रहा है यार पेंट होके पूरा कैफे। देखो भाई अंदर तक यार मज़ा सा आ रहा है, पहले ऐसा लग रहा था जैसे भाई किसी का कुछ गैराज हुआ ऐसी, क्या जिस जगह में किडनैपिंग करके रखते बंदों को, वो मूवी वगैरह में दिखाते हैं किडनैपरों का इलाका होता है भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। अब ऐसा लग रहा है एकदम बेहतरीन सा कैफे जैसा कुछ। और इसके साथ में तुम्हारे भाई ने एक टॉयलेट बनवा लिया और सीढ़ियों के लिए जगह बनवा दी, और इसके साथ में मैंने जो फर्श है उससे ही पेंट वेंट करवा दिया, मतलब फर्श ही इतना बड़ा बेकार सा हो रहा था तुमने देखा ही होगा पहले भाई, अब देखो क्या मजा सा आ रहा है फर्श में। और ये भाई साइड में टॉयलेट है जो हमने अभी बनवाई है, उसके पीछे स्टेयरकेस की जगह है, और यहाँ पे अपना ये महंगा वाला सेटअप भी चालू है, दूसरा वाला सेटअप हम क्रिएट कर रहे हैं अभी। और ये है भाई पीछे सीढ़ियों का इलाका, सीढ़ियाँ पीछे ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर वैसे बना सकते हैं हम दो कमरे, लेकिन अभी बनवा ही रखे भाई पैसा नहीं है, तो सीढ़ी सीढ़ी है अभी के लिए। ये कंसोल भाई, ये एक अपनी साइड के साइड टेबल्स पीसी की, और अभी अपना कैफे बंद करके चलते हैं भाई घर पे, आज के लिए बस इतना ही, और अपग्रेड करेंगे चीज़ों को लेकिन अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो तुम्हें अगली वाली वीडियो का एंजॉय करना है, सैटरडे को आने वाली है, हफ्ते की दो आती हैं एज यूजल, वेडनेसडे और सैटरडे, तो देखो देख लिया करो, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है, बताने की बात नहीं होती, कर दिया करो अच्छी लगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।